नमस्कार इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पहली बड़ी खबर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक में बड़ा फैसला, इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनी। 13 सदस्य की कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनाई गई। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक में बड़ा फैसला, मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक में बड़ा फैसला, 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमेटी बनाई गई। केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, तेजस्वी यादव इस कमेटी में शामिल। कमेटी में संजय राउत, राघव चड्ढा, लल्लन सिंह, के स्टालिन, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, उमर अब्दुल्ला भी शामिल। कमेटी में संजय राउत, राघव चड्ढा, लल्लन सिंह, के स्टालिन, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला शामिल। बात करते हैं अगली खबर की। देश में एक ही चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वह समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके बाद ही तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराएगी या नहीं। तो एक देश एक चुनाव पर लेकर कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा फैसला। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर पर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक की पहचान विनय श्रीवास्तव के तौर पर की गई है। विनय कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का राइट हैंड बताया जाता था। पुलिस ने मौके पर से सरकारी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन की शुरुआत कर दी है। ऐसे ही उसके अंदर तो हुई है। इस पर मुझे जब पता चला तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस आयुक्त जी को फोन करके मैंने ये सूचना दी थी। उसी से बात उन्होंने कहा कि उनको भेजते हैं उनसे, तो वो आकर के जैसे टीम भी आई है किसी भी सर को वो जाँच करके दे रही है। आज पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय, परिजन टीम भी इसमें गोली लेकर के गई। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लेकर के जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ तरीके से हमारा बहुत रहा है, पुलिस पूरी जांच करने के बाद खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे, कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू ही हमें नहीं गुजर हुआ है। आंसू कंप्यूटर चला गया और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी, सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ हम लोग दर्ज करा रहे हैं। करेंगे मैटर में क्या हुआ, किस तरह से गोली चली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए। इसी तर्ज पर 57 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेटेड केंद्र स्कूल खोलेगा, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को कैंपस में सभी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएंगी। वो शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित अटल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट का वितरण कर रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए जनता को भी संबोधित किया। राखी पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए घरेलू गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी की है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष इसे बड़ी राहत मान रहा है और पीएम मोदी की इसके लिए जमकर तारीफ भी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता इसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग से डर कर लिया गया फैसला बता रहे हैं। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से आगे बढ़ने के बाद मोदी जी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके वजह से यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी योजनाएं लागू की हैं उनमें से अधिकतर गरीबों के लिए, चाहे वो जनधन योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे वो किसान सम्मान राशि है, मोदी जी के शरीर में गरीबों का दिल धड़कता है। आज बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए 9 वर्ष से ऊपर का समय हो गया और जो गैस सिलेंडर 2014 में 370 रुपए के करीब था, आज 1150 रुपए के करीब आ गया। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सरकार को एकदम से 200 रुपए आम जनता को रियायत देने की सूझी? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इनको अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया, कुर्सी डोलती हुई नजर आई मोदी जी की, इसलिए 200 रुपए कम किए गए। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन, जिसमें सारे विपक्षी दल हैं पूरे देश के, वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भी उस गठबंधन की मीटिंग है बॉम्बे में, तो इसको देखते हुए मोदी सरकार ने 200 रुपए कम किए हैं सिलेंडर के, जो जनता का अधिकार है, कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर। प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव की दबंगई सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे कांग्रेस नेता एक युवक को दबंगों की तरह कॉलर से पकड़कर जबरन घसीटते हुए लेकर जा रहा है। वहीं रास्ते में मिलने वाले लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कांग्रेस नेता से कोई सवाल करे। देखिए, ये कट्टरपंथी लोग जो सियासी पार्टियों का चोला पहनकर आते हैं, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम मोहब्बत, अमन, भाईचारे का मजहब है, और जहाँ ये कहते हैं कि कदमबोसी हराम है, कदमबोसी को बिदत करते हैं, उसको कहते हैं ये बिदत है, वहाँ पब्लिकली एक गरीब आदमी से छोटी सी गलती के ऊपर माफ़ी मंगवाना, ये एक अच्छे मुसलमान को शोभा नहीं देता है। और वो हमारे भाई हैं, उन्होंने बदतमीजी की थी हमारे भाई से, तो इसलिए हमने कहा था उससे माफी मांगो, बने हैं तेरे बाप की जगह है बस, और कोई बात पैर पकड़वाने के लिए आपने कहा था? हाँ, मैंने कहा था। अच्छा, क्या क्या बदतमीजी, जैसे लोग बता रहे हैं कि कुछ छेड़छाड़ का आरोप था, लड़कियों को छेड़ता था, ऐसा कोई ना? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये तो झूठ है, ये सब झूठ। अभी आपका बेटा कहाँ है? अब तो बेटा हमारा काम पे लगा हुआ है। बुलंदशहर के थाना पहासू के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी शातिर बदमाश घायल हो गया। बता दें कि बदमाश पर विभिन्न थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि वाहनों की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, तो वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम के दौरान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पुलिस के साथ ऑपरेशन के दौरान आईएसआई से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 पिस्तौल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये आरोपी राज्य में किसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जदों की मोहाली पुलिस के नाल एक ज्वाइंट ऑपरेशन दे विच इन्हां ने आईएसआई बैक्ड पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट हरविंदर रिंदा दे 6 साथियों को गिरफ्तार किया है वेपन्स दे नाल।
इन्हां दे विचों जिहड़े गिरफ्तार किए गए मुलजम हैगे इन्होंने पटियाले दे विच डबल मर्डर कमिट किया गया सीगा। सो पंजाब पुलिस की निरंतर मुहिम हैगी ऑर्गनाइज क्राइम के अगेंस्ट ऑन डायरेक्शनज ऑफ चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, तो पंजाब पुलिस इज फुली कमिटेड टू इरेडिकेट। अगली खबर गाजियाबाद की थाना इंद्रापुरम से है, जहां पर एक चार मंजिला इमारत पर एक बच्ची चढ़ गई और वहां से कूदकर अपनी जान देने का प्रयास करने लगी। पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर बच्ची से बात की गई, तब जाकर पता चला कि बच्ची की मां की 18 जुलाई को मौत हो गई थी और पिता ने किसी कारण से बच्ची को डांटा था, जिससे नाराज होकर बच्ची बिल्डिंग की छत पर पहुंच गई और वहां से कूदने का प्रयास करने लगी। इसके बाद एसीपी ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को समझाने का प्रयास किया और आश्वासन देकर रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाकर एसीपी को अपना भाई बना लिया, जिससे सारी परेशानियां उन्हें बताई। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को रेस्क्यू कर सफलतापूर्वक नीचे उतारा गया। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो यमुनानगर लगातार रिश्वत लेने वालों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जिले में पटवारी के असिस्टेंट को विजिलेंस टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। असिस्टेंट ने इस बाबत नाम चढ़ाने के लिए 10,000 की मांग की थी, जिसके चलते 2,000 पहले ही लिए जा चुके थे और 8,000 विजिलेंस के सामने लिए गए। वहीं विजिलेंस ने मौके पर पटवारी के असिस्टेंट को गिरफ्तार किया है। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली किकबॉक्सिंग खिलाड़ी ने अपने कोच के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी कोच विपुल मिश्रा राज्य बॉक्सिंग संघ के सचिव भी हैं। नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनबाद महिला थाने में मामला दर्ज किया गया। महिला थाने की पुलिस ने कोच को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की शुरुआत की है। रायबरेली में दबंगों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के बनियान टोला मोहल्ले में दबंग युवक और उसके आधा दर्जन साथियों के साथ दुकान का ताला तोड़कर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। दुकान में कब्जा करने की नीयत से घटना को अंजाम दिया गया था, तो वहीं विरोध करने पर पीड़ित और उसके परिजनों को दबंगों ने जमकर पीटा है। साथ ही महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि देर रात दुकान से सामान लेने गए युवक के पेट में गोली मार दी गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल अवस्था में जिला अस्पताल में सैफई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी यह भी मिली है कि युवक की मौत हो गई है। वहीं दोनों ही पक्ष एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर एसीपी विनोद कुमार सिंह ने मोहल्ले से तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी है। आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष ने जगबीर जोहन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 3 सितंबर को सर्कल इंचार्जों के शपथ ग्रहण के लिए भिवानी आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे प्रदेश भर के आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। इसके बाद हर गांव में 11 से 21 सदस्यीय टीम गठित करने का अभियान चलाया गया। सोनभद्र के केवटम गांव में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, तो वहीं राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ और पूर्व सांसद छोटे लाल खरवाड़ दोनों नेताओं ने घटना का जिम्मेदार वन विभाग को बताया है। साथ ही आदिवासियों का उत्पीड़न बंद करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने कहा है कि आदिवासियों को भड़काया तो अंजाम ठीक नहीं होगा और मणिपुर की तरह सोनभद्र में भी आग के हवाले कर दिया जाएगा। ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जो मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। दरअसल एक युवक प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मेन गेट के पास अचेत अवस्था में घंटों पड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। वहीं ढिंढोरा पीटने वाली समाज सेवी संस्थाओं और रेलवे कर्मचारियों के द्वारा काफी समय तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, जिससे काफी देर के बाद पत्रकारों के हस्तक्षेप के बाद युवक को वहां से अलग किया गया।
मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ आगरा कैंट स्थित बगला मुखी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंची, जहां उन्होंने 5 कुंडीय यज्ञ किया। बता दें कि मंदिर के सेवादार नितिन सेठी ने यज्ञ कराया, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी काफी खुश दिखाई दी और साथ ही उन्होंने मंदिर का भ्रमण कर विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन भी किए। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की तस्वीरें हैं, जो कि आगरा कैंट पहुंचकर बगला मुखी माता के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां पर यज्ञ भी किया। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई है, पति पत्नी समेत एक बच्ची घायल बताई गई है। तो वहीं लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भेजा है, साथ ही राहत बचाव कार्य में जुट गई है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि ललितपुर से सामने आ रही है। ललितपुर कलेक्ट्रेट परिसर में ललितपुर के अधिवक्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हापुड़ जिले में हुए न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण किए गए लाठीचार्ज को लेकर ललितपुर अधिवक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक धरना दिया। साथ ही कार्य बहिष्कार की भी मांग की। उन्होंने मांग है कि पुलिस की लाठीचार्ज में कई अधिवक्ता घायल हुए, लेकिन पुलिस ने 15 नामजद अधिवक्ताओं के साथ ही साथ 200 अज्ञात अधिवक्ताओं पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। अगली खबर यमुनानगर की है, जहां धर्मस्थान रख रखाव कमेटी के द्वारा श्री गौरी शंकर मंदिर गेट के मेन हॉल में शुभारंभ कर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर वन और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने हॉल का निरीक्षण भी किया, साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों के साथ हवन भी किया। रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। बता दें कि उपद्रवियों ने जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलाए हैं, साथ ही साथ खड़ी बाइक में आग भी लगा दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की 154 बटालियन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने खुसरा थाना क्षेत्र के गमहरा जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। एसपी दीपक शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि डुमरी उपचुनाव को लेकर जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। छानबीन के दौरान नक्सली की ओर से छुपाया गया 10 फीट लंबा बंकर मिला है, जिसमें 152 बंडल कोडेक्स वायर, कई जिंदा कारतूस, बम बनाने की नाइट्रोजन जेल और साथ ही साथ गन पाउडर आदि बरामद किया गया है। बुरकुंडा में नरकरी नदी के तट पर छठ जाने के मार्ग पर पीसीसी सड़क निर्माण कार्य को लेकर छठ यात्रियों के द्वारा शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। मौके पर उप प्रमुख बबीता पांडे, जवाहर नगर पंचायत की पूर्व मुखिया प्रमिला दुबे मौजूद रही। वहीं इस दौरान उप प्रमुख ने कहा कि इस कार्य को संपन्न कराने के लिए लोगों से अपील की गई है, श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुरूप प्रत्येक घर से एक एक बूंद ईंट दान स्वरूप दें और पुण्य के भागी बने। सूर्य देवता की। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में किन्नर के घर में घुसकर चोटी काटने और चाकू मारने का मामला सामने आया। बता दें कि दूसरे किन्नरों पर हमले का आरोप लगाया गया, तो वहीं हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित किन्नर की शिकायत पर आधा दर्जन हमलावरों ने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोनभद्र में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का एक मामला सामने आया है, जहां स्कूलों में समय से शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसका वीडियो ग्राम प्रधान ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। वीडियो में ग्राम प्रधान ने कहा है कि हर रोज का यही हाल है, बच्चे समय से पहुंच जाने के बाद भी शिक्षक और रसोइया स्कूल में नहीं आ पाते हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने शिक्षकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि कार में बच्चे और महिलाओं समेत पूरी फैमिली सवार थी, तो वहीं हादसे में कार सवार को मामूली चोटें आई हैं और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को किनारे
कर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। रीवा में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन के लिए महर्षि पारिणी केंद्र की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समत्व भवन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की और निर्देश दिए हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता और संस्कृत के व्याकरण विज्ञानी महर्षि पाणिनि के नाम पर संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन शोध को समर्पित केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें हेमंत सोरेन भी हिस्सा ले रहे हैं, जिस पर बीजेपी झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस बैठक से झारखंड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उन्होंने दावा किया है कि पिछले चुनाव में जो 2019 की लोकसभा का चुनाव 1-1 हुआ था, ऐसे में बीजेपी और आजसू एनडीए गठबंधन 12 सीटें जीते थे। हालांकि 2 सीट छूट गया था, लेकिन इस बार 14 की 14 सीटें जीतेंगे, जिस पर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे याद है 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, तब बीजेपी ने नारा लगाया था 65 घर और आया 25। हमीरगढ़ उपखंड क्षेत्र के गैंगरेप में गांव में एक युवक के अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूल गया है। बता दें कि गुरुवार को रात को युवक अपने घर में अकेला ही था, जबकि युवक उस दिन अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को नानी के घर छोड़ के आया था। उसी रात को फांसी लगाकर आत्महत्या की खबर सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समत्व भवन में बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश में हो रही सामान्य से कम वर्षा को देखते हुए आगामी महीनों में सिंचाई के लिए पानी और बिजली की उपलब्धता को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नीमच पहुंचे और पत्रकारों से स्थानीय हवाई पट्टी पर मौजूद रेस्ट हाउस के संबंध में रूबरू हुए। इस दौरान कांग्रेस के नीमच में जिला प्रभारी नूरी खान और जिलाध्यक्ष अनिल चौरसिया भी मौजूद रहे। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बरसात की भारी कमी होने की बात कही है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। हापुड़ जिले में वकीलों पर कथित पुलिस लाठीचार्ज को लेकर पूरे देश भर में कई राज्यों में वकीलों में भारी रोष देखा जा रहा है। बता दें कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर वकीलों के द्वारा प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। इस दौरान हापुड़ की घटना को लेकर दिल्ली के साकेत बार एसोसिएशन की तरफ से साकेत कोर्ट में इस घटना के विरोध में हड़ताल की गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साकेत बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद शर्मा ने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों के ऊपर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। पहले भी ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है। अगर वकीलों के साथ इस तरह की घटना पुलिस करती है तो आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसके चलते बार एसोसिएशन के सभी वकीलों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अगली खबर अमरोहा से है, जहां अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बता दें कि बदमाशों ने युवक के सर पर डंडे मार मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने पहले युवक की शादी हुई थी, साथ ही बदमाश युवक की हत्या कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।